one is, as you know, we have been discussing info, the central Islamic lands. So far, what we have seen in the chapter, the topics like sources we create the history of the sources we create the history of Islamic Islam, उसके rise के कुछ sources से बहुत हमने discuss की, उसके बाद हमने caliphate extension formation वगैरह उसके बारे में बात की, हमने prophet Muhammad की early life और उनके teaching के बारे में बात की. Then we have to cover topic like the Indian dynasty, the Abbasid revolution. Today the topic which we will start is economy, agriculture, economy in the Arabia में इस्लाम है, उसके राइज के बारे में जो इकोनॉमी है उसका क्या स्टेटस रहता है उसकी हम बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द सर्टन पॉपुलेशन इन द न्यूली कॉन्वर्ट टेरिटरीज. एग्रीकल्चर के लिए प्रिंसिपल मेन काम था उन कम्युनिटीज का, क्योंकि सर्टन थी सर्टन कम्युनिटीज थी जो इमिग्रेटेड कॉन्वर्ट टेरिटरीज में रहती थी. द इस्लामिक स्टेट मेड नो चेंजेस इन दिस. इस्लामिक स्टेट ने इसके अंदर जो कोई चेंज नहीं किया. लैंड वाज ओन्ड बाय पैगन इस्लाम के थ्रू एंड इन सम केसेस बाय द स्टेट. लैंड जो है वो स्मॉल या बिग टू पीसेस के द्वारा फॉर्म किया जाता है. कई केसेस में स्टेट या जो खलीफ खलीफा जो है वो उसके पास में रहते थे. बाय द स्टेट इन इराक एंड ईरान लैंड एक्जिस्टेड टू फ्रेंडली लार्ज कल्टीवेटेड कंट्रीज. इराक और ईरान में जो लैंड है काफी थी फ्रेंडली लार्ज. The state owner collected taxes on behalf of the state during the Sasanian as well as Islamic. So the state owners were everything. Many of the Jamindar have been able to get word. So the Jamindar have been able to Sasanian period to be tax collected for the and now they are collecting tax for Islamic period as well. In areas that have moved from a pastoral to a settled agricultural system, land was the common property of the people. As in the case, the Hami Dikhi Pala pastoral activity and the animal herding they were both followed by the people. They were both of the जो लैंड है वो एक कॉमन प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. कॉमन प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होती है पूरा विलेज जो है उसकी प्रॉपर्टी के रूप में. फाइनली द स्टेट दैट वर अबेंडन बाय द अदर पार्ट ऑफ द इस्लामिक एम्पायर वर एक्वायर्ड बाय द स्टेट एंड हैंडेड ओवर टू द मुस्लिम खलीफा ऑफ द एम्पायर पर्टिकुलरली मेंबर ऑफ द खलीफा. देखिए जो बड़े स्टेट होते थे जो कि अबेंडन कर दिए गए थे उनके पहले के ऑनर से गर्व भी तालिबान जैसे हम प्रेजेंट टाइम में से आ चुके हैं. तालिबान जो है उसने अफगानिस्तान को जो तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया. तो अफगान आर्मी अफगान प्रेसिडेंट सभी लोग जो है वहाँ पे अधिकतर ने सरेंडर कर दिया और अगला प्रेसिडेंट भी उन्हें छोड़ के चले गए. ऐसे ही जो इस्लाम की जब शुरुआत हुई तो इस वक्त उन्होंने जो अपनी टेरेटरीज फॉर्म कर ली थी उनकी टेरेटरीज में जो ऑलरेडी जो ग्रुप रह रहे थे ऑनर्स स्टेट्स के उन्होंने उनको अबेंडन कर दिया छोड़ दिया उन लोगों को. इस्लाम जो है इस्लामी लोगों ने उनको जो है फिर अपने खलीफा ने अपने दोस्त फैमिली के लोगों को या फिर that remain in the hands of the owner but subject to a tax करार. देखिए ऐसे जमीन जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था अरब ने, लेकिन वहाँ उनके जो मालिक थे वो नॉन मुस्लिम थे. नॉन मुस्लिम कोई जैसे जूश या क्रिश्चियन जो लोग हैं वो उसके मालिक थे. उन्होंने फिर अपनी जमीन को छोड़ा नहीं, वो अभी नहीं रह रहे थे. उनको अपनी इस्लाम या उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई इस्लामिक इन्वेडर्स हैं वो उनको अटैक ना करें, उनके परिवार को ना मारे, उनके साथ में सही तरीके से रहे, उसके लिए उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था. और ये टैक्स था खराज विच वेरी फ्रॉम हाफ टू ए फिफ्थ ऑफ द प्रोड्यूस. जो ये खराज है इसकी वैल्यू अलग अलग होती थी. कुछ केसेस में जो है ये प्रोड्यूस का हाफ यानी 50% भी था और कुछ केसेस में फिफ्थ यानी 20% भी लिया जाता था अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंट्रीब्यूशन. जो कंट्रीब्यूशन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यानी जैसे कहीं पे अगर प्रोडक्शन 100 टन का हो रहा है तो वहाँ पे 50 टन जो है प्रोडक्शन देते और कहीं में कम है तो उसके अकॉर्डिंग. द टैक्स रूल वॉज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस. जो मुस्लिम थे देखिए ऐसी जमीन है जो मुस्लिमों से जो है 1/10 जो है वो टैक्स ले रहे थे. 10% ही टैक्स लेते थे. अब देखिए आप नॉन मुस्लिम से जो है 20-50% तक टैक्स ले जा रहा है. मुस्लिम से जो है सिर्फ 10% जो है वो टैक्स लेते. व्हेन नॉन मुस्लिम स्टार्टेड टू कन्वर्ट टू इस्लाम टू पे लोअर टैक्स दिस रिड्यूस द इनकम ऑफ द स्टेट. अब देखिए ये चीज बिल्कुल
जो है उनको एक खराब टैक्स नहीं पे करना है, उनको जजिया टैक्स नहीं पे करना है, साथ में जो कंट्रीब्यूशन टैक्स है वो भी उनको जो है 110 भी पे करना है, जबकि इनको जो है 20 से 50% तक तो खराज पे करना है और उसके बाद में जजिया टैक्स पे करना है। कई सारे जो नॉन मुस्लिम थे उन्होंने अपना कन्वर्ट जो छूट किया है इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू किया। अब लोग इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए पहले जो 20 से 50% तक इनको वो लोग 1% से वो घटित कितने रह जाएंगे 10%। To address the shortfall, the Caliph was discouraged conversion and later adopted a uniform policy of taxation. तो ये जो कन्वर्जन हो रहा था, इस कन्वर्जन को रोकने के लिए खलीफ जो है उसने पहले दिन जो है लोगों से बातचीत की, उसने जो है डिस्करेज किया कन्वर्जन को कि भाई आप जो है कन्वर्जन मत कीजिए, कि बाद में उसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी है सभी के लिए इक्वल टैक्स की पॉलिसी जो है वो उसने अडॉप्ट। तो हमने टैक्स की जो अनवर्स द स्टेट ऑथराइज इट्स ऑफिशियल्स टू क्लेम देयर सैलरीज फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेवेन्यू अथॉरिटीज कॉल्ड इक्ता। 10th सेंचुरी के बाद में जो ऑथोराइज्ड जो अथॉरिटीज होती थी, जो ऑफिसर्स होते थे, जिनके यहाँ के लोग काम करते थे, उनको सैलरी किसके रूप में मिलती थी, उनको सैलरी इन एग्रीकल्चरल रेवेन्यूज होती, जैसे क्या मैंने केस में देखी इन जो है वो कैपिटल में है, यानी खरीफ जो है वो कैपिटल में है। अब किसी दूसरे गाँव में जैसे उसमें किसी ऑफिसर को लगाया कि यहाँ तुम्हारा काम जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है और इस टैक्स कलेक्शन के थ्रू जो इनकम होगी उससे तुम्हें सैलरी मिलेगी, इसको कहा जाता था एकता प्रोसेस या एकता असाइनमेंट, जिसको ये दिया था कितनी इत्तेदार। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी वांट हैड फाइंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन मेनी एरियाज स्पेशली इन द नाइल वैली स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन सिस्टम द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल एंड द डिगिंग ऑफ द वेल्स एंड वाटर वेल्स ऑल ऑफ व्हिच आर क्रूशियल फॉर गुड हार्वेस्ट इस्लामिक लोग एंड टैक्सेशन पीपल हु थॉट ब्रॉड लैंड। क्या चीज़ है एग्रीकल्चर जो प्रॉस्पेरिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती जाती है, जो नाइल रिवर वैली उसके एरियाज में इरीगेशन सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेट जो है बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे डैम्स का कंस्ट्रक्शन, कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन, वेल्स होना, ये सारे काम स्टेट जो है उसकी अथॉरिटीज से होते हैं। दो प्रेजेंट्स इनिशिएटिव एंड स्टेट सपोर्ट कंटिन्यूएबल एंड एक्सपेंडेड एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए जो स्टेट है जो कहती है उसका सपोर्ट और प्रेजेंट्स हैं उनका बिहेवियर उनका जो मेहनत है दोनों की वजह से जो लैंड है कल्टिवेशन में उसमें इंक्रीमेंट होगा, जो लैंड इंक्रीज होगी सीधी सी बात है टैक्स जो है वो भी बढ़ेगा। मेनी न्यू क्रॉप्स सच एज कॉटन, ऑरेंजेस, बनाना, वाटरमेलन, मिस्की एंड विंजल्स वर नाउ ग्रोन एंड इवन एक्सपोर्टेड टू यूरोप। इस केस है कि नई फसलें बहुत ग्रोन की जाने लगी थी, उनको इवन एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा यूरोप में। इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश एज द नंबर ऑफ सिटीज ग्रू इस्लामिक जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से फ्लोरिश होता है, कई सारे जो सिटीज है वो ग्रो करती है इकोनॉमी। मैनी जो सिटीज वर फाउंडेड मेनली टू सेटल अरब सोल्जर्स टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। कई सारी जो है नई सिटीज हैं वो फाउंड की गई मेनली किसी की जो अरब के जो सोल्जर्स हैं सोल्जर्स के लिए, ताकि वो जो है बैकबोन का एडमिनिस्ट्रेशन वो सही तरीके से रह सके। अमंग द क्लास ऑफ गैरिसन सिटीज कॉल्ड मिसर द अरबिक नेम फॉर इजिप्ट वर कुफा एंड बसरा इन इराक एंड फर्स्टेट एंड कायरो इन इजिप्ट। देखिए ऐसी जो जो गैरिसन सिटीज है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सोल्जर्स के लिए जो बसाई गई, ऐसी एक सिटी थी मिस्र, जो मिस्र है ये अरबिक नेम है इजिप्ट का, हम देखिए हिंदी में जो उसको मिस्र ही बोलते हैं इजिप्ट, मिस्र जो है वो अरबिक है, जिसके अंदर देखिए कूफा और बसरा जो है इराक के अंदर फर्स्ट एड और कायरो है इजिप्ट में। आपको मैप पे पूछ सकता है कूफा और बसरा कहाँ सिचुएटेड है और फर्स्ट एड और कायरो, तो फर्स्ट एड और कायरो जो है ये इजिप्ट में है और कूफा और बसरा इराक में। विद इन हाफ अ सेंचुरी ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट एट द पॉपुलेशन ऑफ बगदाद हैड रीच्ड अराउंड 1 मिलियन। देखिए 1800 में जो अब्बासिद जो है वो कैपिटल एस्टैब्लिश करते हैं बगदाद को, और उसकी एक सेंचुरी के अंदर अंदर जो पॉपुलेशन है विद इन हाफ सेंचुरी यानी 50 सालों में पॉपुलेशन के कैपिटल को 1 मिलियन के आसपास हो जाती है। अलोंग साइड दी सिटीज वो ओल्डर टाउन सच एज दमस्कस, इस्फहान, समरकंद, रिसीवेन मिलियंस ऑफ लाइक, और भी कई सारे छोटे छोटे लोअर टाउन से होती यहाँ पे जनरेट हो रही थी। देयर साइज एंड पॉपुलेशन सर्व सपोर्टेड बाय जो क्या कल्चर और इकोनॉमिक पावर, कल्चरल और इकोनॉमिक पावर मस्जिद और जमा बिग इनफ टू किसी गवर्नमेंट सबसे पहला मस्जिद है, काफी उसमें देख सकते थे
एंड द सेंट्रल मार्केट प्लेस. दूसरा था सेंट्रल मार्केट प्लेस विद शॉप्स इंक्लूड मर्चेंट क्लोथिंग एंड ऑफिस ऑफ द मनी चेंजर मार्केट द पूरा. द सिटीज वर होम टू एडमिनिस्ट्रेटर अयान और आइज ऑफ द स्टेट. जो सिटीज है वो किसके लिए, किसका घर थी, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, अयान का, आइज ऑफ द स्टेट के लिए. एंड स्कॉलर्स एंड मर्चेंट को लिए क्लोज टू द सेंटर. उसके अलावा जो मर्चेंट है, सोल्जर्स है, स्कॉलर्स, ये लोग भी सिटीज में रहते थे. ऑर्डिनरी सिटीजन सोल्जर्स एंड देयर लिविंग क्वार्टर इन द आउटर सर्किल ईच फिटेड विद इट्स ऑन मोस्ट चर्च और ज्यूइश टेंपल. ऑर्डिनरी जो सिटीजन, जो आम आदमी है, सोल्जर्स है, उनके लिए भी लिविंग क्वार्टर है वो आउटर द सर्किल में. सर्किल कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर सबसे इनर सर्कल में जो है मॉस्क का, फिर शॉप्स भी थे, उसके आउटर सर्कल में जो है ऑफिसर्स की जो है ऑफिसेज थी, एडमिनिस्ट्रेशन के मकान थे. फिर उसके बाद में जो है थर्ड सर्किल में जाके ज्यूइश लोगों के लिए, जो आम आदमी जो है उनके लिए यहाँ पर मकान बनाए गए जिसमें चर्च भी थी, मॉस्क भी थी, सब कुछ था. सब्सिडाइज मार्केट एंड पब्लिक पार्क एंड इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लेस. जो सब्सिडाइज मार्केट है, पब्लिक पार्क, हमाम, ई साइकिल बने एट आउटस्कर्ट और द हाउसेज ऑफ द अर्बन पुअर मार्केट को ग्रीन तरीके से. देखिए जो सिटी है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था. पॉलिटिकल एडिफिकेशन में अर्बन डिमांड फॉर फूड सर्व लग्जरीज एंड लार्ज सर्किट ऑफ एक्शन. जो पॉलिटिकल एडिफिकेशन हो रहा था इजिप्ट से लेकर अफगानिस्तान तक इस्लामिक एम्पायर का, और अर्बन डिमांड जो बढ़ रही थी, जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिससे फूड स्टाफ और लग्जरीज है उनकी डिमांड बढ़ रही, इससे एक्शन में उसका सटीक हुआ. ज्योग्राफी फेवर तो मुस्लिम एम्पायर की जिसमें बैठे ट्रेडिंग का मतलब इंडिया के समय तक ज्योग्राफी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया. जैसे कि जो अरेबियन के एम्पायर ये मेडिटेरियन सी यानी यूरोप और इंडियन ओशन के बीच में था, लेकिन आपको वेस्ट कंट्रीज के साथ जैसे चाइना है, इंडिया है, उनके साथ अगर ट्रेड करना था तो आपको इसे अलग एम्पायर से होते जाना जरूरी. This trade pass through two major routes, namely the Red Sea and the Persian Gulf. ये जो ट्रेड है दो रूट से ज़्यादा था, पहला जो है रेड सी से, दूसरा पर्सियन गल्फ से. हाई वे जो रूट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सच एज स्पाइसेस, टेक्सटाइल, पार्सली, गल्फ पाउडर जो है ये इंडिया और चाइना से जो है अदर पहला तो गल्फ ऑफ होते हैं ट्रेड होते थे, यानी सामान जो है वो इंडिया चाइना से जो है एक्सपोर्ट भी होते थे और इम्पोर्ट भी होते थे. फ्रॉम हेयर द मर्चेंडाइज वाज कैरीड ओवर लैंड इन केबल कार. देखिए ये रेड सी है या गल्फ ऑफ अदन है या अदर जो खाड़ी है वहाँ तक पहुँचने के बाद में इनको जो है अनलोड किया जाता सकते हैं. उसके बाद में जो कैनल से कारवा थे उसके रूप में ये वेयर हाउसेस तक पहुँचते थे, बगदाद के अंदर डमस्कस में या अलेप्पो में. वहाँ पे जो है लॉकेट कंजेशन के लिए और फिर आगे ऑनवर्ड और ट्रांसमिशन के लिए इनको इशू किया था. द कारवास पासिंग थ्रू मक्का वॉट बिगर वेरियन द हज कंसर्टेड विद द सेलिंग सीजन. आगे की बात करें देखिए पीपल्स एंजिया रिकॉर्ड से नेक्स्ट पीपल्स एंजिया रिकॉर्ड जैसा हम रिकॉर्ड से हिस्ट्री की बात करें तो इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स रिटन वर्क्स वर वाइडली सर्कुलेटेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर. पेपर के इंट्रोडक्शन के बाद में तो रिटन वर्क काफ़ी जो है यहाँ पे वाइडली सर्कुलेट होता है. पेपर मेड फ्रॉम लिनन केम फ्रॉम चाइना. पेपर देखिए कहाँ से आता था, चाइना से. वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज क्लोजली गार्डेड सेक्रेट. जहाँ पे पेपर का जो मैन्युफैक्चरिंग ये सीक्रेट था, दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं था. इन 751 द मुस्लिम गवर्नर ऑफ समरकंद टू 20,000 चाइनीज इन्वेडर्स एज प्रिजनर, सम ऑफ होम वर वुंडेड पेपर मिल. देखिए 751 में जो मुस्लिम गवर्नर होता है समरकंद का, वो 20,000 चाइनीज जो इन्वेडर्स है उनको अपने कैदी के रूप में ले लेता है क्योंकि पेपर मेकिंग में एक्सपर्ट थे. और फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स समरकंद पेपर रिमेन एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम. और अगले 100 सालों तक जो समरकंद में जो ये चाइनीज लोगों से जो टेक्निक सीखते पेपर प्रोडक्शन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम रहता. सिंस इस्लाम प्रोमोटेड मोनोपोलीज पेपर बिगेन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन द रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. इस्लाम में देखिए मोनोपोली यानी किसी एक ही आदमी का, आपके पास जो भी चीज़ है उसको सभी लोगों में बांटी. इसमें बिलीव करता है इस्लाम, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये भी सभी लोगों में बांटी गई. द राइटिंग मटेरियल मेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट दैट ग्रू फ्रीली इन द नाइल वैली इन डर्बन. और पेपर इंक्रीज एन अब्दुल लतीफ अ डॉक्टर फ्रॉम बगदाद सी हिज डेफिनेशन एंड अ रेजिडेंट ऑफ इजिप्ट. कई सारे जो है देखिए इस तरह के मेथड मिलते हैं पेपर मेकिंग के, और जिसके अंदर जो है लिनन का पेपर, पेपर्स, ये सारी चीज़ें बननी शुरू हुई जिसके थ्रू कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा. पेपर ऑल्सो फैसिलिटेट द राइटिंग ऑफ कमर्शियल एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल. जो पेपर है उसमें जैसे कमर्शियल और पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा निकले. 1896 से हिंदू कलेक्शन ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंट को जिसका वर्ड सीन है सी टू जैक्सिया प्रोनाउंस जैक्सिया. देखिए
जूस डॉक्यूमेंट का पूरा अपना पता जो है वो 1896 में डिस्कवर होता है और द बैंक इज इन सिंगो इन फर्स्ट स्टेट के अंदर सिंगो यानी जो जूस मंदिर है वहां से द डॉक्यूमेंट एट इन प्रिजर्व थैंक्स टू द जूस प्रैक्टिस ऑफ डोनेशन एंड पीस ऑफ प्राइडल एंड कंटेन एंड ऑफ द गॉड ये जो है डॉक्यूमेंट काफी अच्छे से संभाल के रखा हुआ था रीजन क्या है जो भगवान का नाम जिसकी चीज की लिखा हुआ था उसके लिए पैसे देते थे जेंजिया वाज फ्रॉम टू 20 ओवर अ क्वार्टर ऑफ द मिलियन मेरे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट ईस्ट के अंदर बात करें तो ईस्ट में जो ईरानी मर्चेंट्स हैं वो बगदाद से जो है सिल्क रूट में फॉलो करते हैं सिल्क रूट है तो चाइना इंडिया कजाकिस्तान या फिर जो यहाँ समरकंद है ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ से होते हुए इंग्लैंड यूरोप तक जो है जाता था उसको जो है ये फॉलो करते हैं कई सारे जो आइटम है जिसमें पेपर जो है वो भी हिंदे को ये लोग क्रिएट करते थे ट्रांसपोर्टेशन या ऑल्सो फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक इन द कॉमर्शियल नेटवर्क विच एक्सटेंडेड नॉर्थ टू रशिया एंड स्कैंडिनेविया जो such as borrowing money, but time to call and making another bank.
तो जिसके ब्याज का होना होना तो इन्होंने दूसरा तरीका ढूंढ लिया, इसमें एक इतना पैसा देता था दूसरा ऑर्डर देता था और उसका कमीशन जो है कमीशन नाम उन्होंने दे दिया ब्याज को। मेनी टाइम्स हम लोग थॉट कर रहे हैं ऑनलाइन गिवर्स पिक्चर ऑफ मीडिया टू इस्लामिक सोसाइटी फीचरिंग कैरेक्टर्स सच एज सेलर। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज लर्निंग एंड कल्चर। देखिए हमने इस्लाम जो है उसकी शुरुआत से लेके पूरा हमने पढ़ा कि कैसे इस्लाम जो है उसकी शुरुआत होती है, इस्लाम के राइज से पहले अरेबिया जो है वहाँ की क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है, क्या सोशल कंडीशन है, वो हमने सब डिस्कस किया कि लोग जो हैं वो नॉमेडिक लोग थे, ट्राइब्स थे, आइडल वर्शिप करते थे। फिर खलीफ जो है उस इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन होता है, अब्बासिड रेवोल्यूशन, उम्मीद डायनेस्टी, एवरीथिंग, और यहाँ तक कि इकोनॉमिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम उसकी भी हमने बात की। अब हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक अभी वो है हमारा लर्निंग एंड कल्चर। एज द रिलीजियस एंड सोशल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मुस्लिम डिपेंड थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल द कम्युनिटी वाज ऑब्लिगेटेड टू रिफ्लेक्ट ऑन इटसेल्फ एंड कन्फ्रंट इश्यूज पर्टेनिंग टू गॉड एंड द वर्ल्ड। देखिए जो रिलीजियस और सोशल एक्सपीरियंसेस मुस्लिम के लोगों के वो काफ़ी डीप हैं इन कॉन्टैक्ट विद अदर लोगों के साथ में। जो कम्युनिटी है वो ऑब्लाइज है अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जो इश्यूज हैं पर्टेनिंग वो उनको दिखाने के लिए। व्हाट शुड बी द आइडियल कंडक्ट ऑफ अ मुस्लिम इन पब्लिक एंड प्राइवेट। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक मुस्लिम जो व्यक्ति है उसको पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन एंड हाउ डज वन नो व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम हिज क्रिएशन। जो गॉड है उसने आपका क्रिएशन क्यों किया है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है आपके क्रिएशन के पीछे, जो गॉड है वो आप differences in the interpretation of the sources and method of
impedance lead to the formation of four oscillations of flow in the 8th and 9th century. देखिए 8th या 9th century के अंदर तो ये interpretation था सोचे जो मैं तो कहें कि कुरान है तफसीर है सीधा है हदीथ है तफसीर सीधा हदीथ इनका जो interpretation था ये तो explain करने का तरीका था कुछ सभी लोगों का अलग अलग था और इसी की वजह से इस्लाम में चार रुकन जो है यानी चार मजहब जो है उसमें डिवाइड होता है 8th टू 9th सेंचुरी के आसपास तीस साल तो मलकी हमल सफेद हाना भी कौन कौन से थे देखिए ये उसकूल थे मलिक हनीफ शफी एंड हनफी ईच नेम आफ्टर अ लीडिंग जूरीज हर एक जो है वो लीडिंग जूरीज यानी फक्त जो मेन गुरु होता था उसके नाम के पीछे रखी थी लोस्ट बीइंग द मोस्ट कंजर्वेटिव जो लास्ट वाले जो थे देखिए जो हनफी ये हनफी जो है इसमें कंजर्वेटिव यानी काफी रूढ़िवादी सोचते हैं कि द शरिया प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑन ऑल पॉसिबल लीगल इश्यूज विद इन सुन्नी सोसाइटी जो शरिया है उसमें देखिए जो इस्लाम में हमने बात करी थी वो पार्ट में कुछ पता अली अली जब खलीफा थे उनके डर के बाद में इस्लाम जो है वो सिया और सुन्नी में डिवाइड हो गया जो शरिया है वो जितना भी गाइडेंस थी जितने भी लीगल इश्यूज थे सुन्नी सोसाइटी में सभी के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता तो इट वाज मोर प्रिसाइज ऑन क्वेश्चन ऑफ पर्सनल स्टेटस मैरिज डिवोर्स एंड मैरिज देन ऑन कमर्शियल मैटर्स एंड फैमिली एंड मैटर्स जो ये शरिया है इसके अंदर जो मैरिज है पर्सनल स्टेटस डिवोर्स एंड मैरिज इसके ऊपर जो काफी लीगल चीजें वो लिखी नहीं लेकिन कमर्शियल या पर्सनल इश्यूज में थोड़ा मैटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुरान का जो है ये पेज है चैप्टर 31 है ये वर्स 27 है एंड इफ ऑल द पीपल ऑन अर्थ वर पेज एंड द ओशन बरिंग विद सेवन ऑप्शंस बिहाइंड इट टू ऐड इट सप्लाई येट नो वर्ड द येट नॉट द वर्ड ऑफ अल्लाह भी है उसके अंदर देखिए क्या चीज लिखी थी कुरान के चैप्टर 31 वर्स 27 में कि अगर ये जो पूरी पृथ्वी है जितने भी पेड़ है उनको जो है मैं पेड़ मान लूंगी जितने भी सेवन ऑप्शन थे उनको जो है उनके पानी को नहीं मान लूंगी फिर भी ये जो है पूरे पूरे नहीं पढ़ेंगे अल्लाह के जो है बारे में लिखने में अल्लाह की नींद है वो एग्जॉस्ट कर जाएगी बिफोर इट टू इट्स फाइनल फॉर्म द शरिया वाज एडजस्टेड टू टेक इन टू अकाउंट द कस्टमरी रूल्स ऑफ द वेरियस सीजन एज वेल द लॉज ऑफ द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर सियासी शरिया यानी जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उनके बारे में उनके बारे में भी जो है सोचा है इन्होंने शरिया जो है कस्टमरी रूल फॉलो करेंगे देयर इज स्टैंडिंग लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू बाईपास द शरिया इन मैटर सच एज द रिलेटेंस ऑफ लैंड बाय वाटर्स जो कंट्री साइड में ग्रामीण इलाके वहां पे जो शरिया है उसका बाईपास आ रहा है किसी की जमीन है जायदाद है या नहीं जो डॉट को इन मोस्ट रीजन द रूलर ऑफ दिस ऑपरेशन स्टेट रूटीन विद मैटर्स ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी एंड सेंड ऑन ए सिलेक्टेड बेसिस टू द काजी जो काजी है जज के बारे में सिलेक्टेड मैटर बेसिस पे काजी अपॉइंटेड बाय द स्टेट इन सिटी और लोकल often acted as an arbitrator to the strict enforcer of the law aur jo qazi hai wo bhi koi strict person nahi hota tha ki enforce kare sharia ko bahut aasani se jo hai wo sirf direct karta tha arbitrator ke roop mein a group of religious minded people in medieval islam known as sufis sought a deeper and more personal knowledge of god through asceticism aur rabbinia and mysticism dekhiye jo medieval period hai uske andar sufi sant jo hai unka ये सूफी संत जो है ये म्यूजिकल नॉलेज के थ्रू या फिर मिस्ट्रीज में जो चमत्कार है उनके थ्रू जो गॉड है उनके तरफ अपना डेवोशन जो है वो शो करते हैं द मोर सोसाइटी गेम इटसेल्फ अप टू मटेरियल पर्सुअल प्लेजर सोसाइटी में अपना जो मटेरियल पर्सुअल के प्लेजर के लिए दी द मोर सोसाइटी गेम इटसेल्फ द मटेरियल द मोर द सूफी शो टू ये शो इन ऑन द गॉड एंड रिलाई ऑन गॉड अलोन देखिए जैसे जैसे जो हम बात करते हैं समाज में बुराई आना शुरू होती है तो बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ किया जाता है मोमेंट कुछ तरीके का था इस्लाम में जो मैटरलिज्म की जो शुरुआत हो चुकी थी उसको जो है दूर करने की नीति शुरू की गई द मोर सोसाइटी गेव अप इट्स मटेरियल पर्सुअल प्लेजर द मोर द सूफीज सो टू रिनाउंस द वर्ल्ड ग्रोथ एंड रिलाई ऑन गॉड अलोन जितना ज्यादा जो है मैटेरियल पर्सुअल प्लेजर जो है उनकी तरफ जाते लोग जो है उतना ज्यादा जो साधु संत बनते इन द 8th एंड 9th सेंचुरी एसेटिक इंक्लिनेशन वर एलिवेटेड टू द हायर स्टेज ऑफ मिस्टिसिज्म बाई द आइडियाज ऑफ पैंथिज्म एंड लव देखिए जो 8th टू 9th सेंचुरी है उसमें ये जो सूफी मूवमेंट है थोड़ा और ज़्यादा जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा पैंथिज्म इज द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन व्हिच इंप्लाइज दैट द ह्यूमन सोल मस्ट बी यूनाइटेड विद इट्स मेकर
देखिए पैंथेइज्म के लिए क्या आइडिया है कि जो गॉड है वो हमारा सबका क्रिएटर है और आफ्टर द डेड हमारी जो सोल है उनमें से किसके साथ जाके मिलेगी, अल्लाह के साथ जाके जो मिलेगी। यूनिटी विद गॉड कैन बी अचीव थ्रू इंटेंसिव ऑफ गॉड, तो यूनिटी है जैसे भगवान को आप कब मिलेगा जब आप उसमें इंटेंसिव को शो करें, भक्ति शो करें। भक्ति का यूजर नाम क्या है, सूफी। विच द वुमन सेड राबिया ऑफ बसरा प्रीचिंग हर पोएम बेसिस बिस्तामी एंड Iranian Sufi was the first to preach the importance of submerging the self in God. देखिए अल्लाह में फना हो जाना ये चीज सबसे पहले किसने बताई थी, कि वजह कि विजा दे बिस्तामी ने और राबिया और बसरा ने, ये वुमेन सेंट दिस पर्टिकुलर पीरियड की जिन्होंने अपनी पोएम्स जो हैं उनके थ्रू प्रीच किया। सूफीज मींस ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस अफिलिएशन स्टेटस इन जनरल। सूफी जो ये था ये सभी के लिए होता है, आप किसी के घर से जाकर सलाम करते हैं डजंट मैटर, आप सूफी जो है सिलसिले में शामिल हो सकते थे। Whose grave can still be seen near the pyramid in Egypt declared before the Abbasid Khalif al-Mutawakkil that he learned true Islam from an old woman and two chevalry from a water cannon. देखिए जो मुआविया जो है उसने जो डायनेस्टी सर्विस की थी उम्मीद डायनेस्टी, उसके बाद में जो अब्बासिद रेवोल्यूशन के खलीफा बनता है मुतवक्किल, उसने ये बताया कि उसने घोड़ी की जो लेडी है और एक वाटर प्रोजेक्ट है उससे ये जाना कि सच्चा इस्लाम क्या है। By making religion more personal and less institutional, Sufis made popularity and rose the challenge to Orthodox Islam. The Sufi है उसने धीरे 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 popularity gain की, तो Orthodox Islam में उसको challenge करना शुरू किया। An alternative vision of God and the universe was developed by Muslim or Islamic philosopher and scientist under the influence of Greek philosophy and science. The Greek philosophy and science उसके अंदर एक alternative vision जो है God का वो भी गिने थे कि during the 7th century remnant of the Greek culture को destroy आगे हम बात करेंगे कि हमारा जो कोर्स है वो है द आइडियल स्टूडेंट। इसमें हम अब्दुल लतीफ एक 12th सेंचुरी का जो लीगल और मेडिकल स्कॉलर है उसकी बात करते हैं, बगदाद की, जो कि अपने आइडियल स्टूडेंट के बारे में बताते हैं। आई कमांड यू नॉट लर्न योर साइंस फ्रॉम बुक्स अनएडिटेड मैट्रिक्स और अनएडिटेड मैट्रिक्स, ये कहता है कि आप उन किताबों से जो हैं जो अनएडिटेड किताबें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइंस जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। रिसोर्ट टू ईच इंटेलेक्चुअल The study of new subjects promoted critical inquiry and had a profound influence on Islamic intellectual life. तो देखिए नए जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी से जो है जो क्रिटिकल इंक्वायरी जो है वो प्रमोट हुई, जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनकी लाइफ जो है वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई जिससे स्कॉलर्स विद अ थियोलॉजिकल बैंट ऑफ माइंड सच एज अ ग्रुप नॉन एज मुंजिला यूज ग्रीक लॉजिक एंड मैथड ऑफ रीजनिंग टू डिफेंड इस्लामिक बिलीफ, जो इस्लामिक बिलीफ है उनको डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो है कई सेटों को यूज़ करना शुरू किया। फिलोसफा पोज वाइडर क्वेश्चन एंड प्रोवाइडेड फ्रेश आंसर, फिलोसफर्स उन्होंने कई जो है फ्रेश आंसर प्रोवाइड किए। इब्न सीना अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड अ फिलोसोफर डिड नॉट बिलीव इन द रिसरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इब्न सीना जो कि एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन से फिलोसोफर भी हैं, उनका मानना है कि भाई जो बॉडी है उसका कोई रिसरेक्शन नहीं हुआ जजमेंट डे पर भी, बट इस्लाम जो है यानी आप जो है अभी कब्र में आराम कीजिए, जो कयामत का दिन होगा जजमेंट का दिन होगा तो उसे अल्लाह करे वो आपकी वापस जिंदा करेगा और आपके कदम का फैसला करेगा कयामत के दिन जो है आपका नतीजा आएगा। लेकिन इब्न सीना जो कि डॉक्टर है वो किसी को बिलीव नहीं करते थे। दिस वॉज मेड विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम थियोलॉजी, जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोज इसको किया जाता है। मेडिकल राइटिंग्स में राइटिंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉज ऑफ कानून के तक, जो कानून ऑफ मेडिसिन है वो इसमें से बहुत मोस्ट जो है सेवन सिक्सटी ड्रग्स सोल्ड बाय द फार्मासिस्ट ऑफ हिज डे एंड इंप्रूव नोट्स ऑन हिज मैनेजमेंट।
देखिए ये जो क्या चीज़ है गुलन फिल्म, ये एक डायरी है जिसमें एक केमिस्ट है, फार्मासिस्ट है, वो ये बताता है कि उसके 768 ड्रग्स जो है वो सेल करके डिफरेंट टाइप की है एंड ऑल दैट। द कैनन पॉइंट्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायलेटिक्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल ऑन हेल्थ एंड द कंज्यूमर्स नेचर ऑफ सम डिजीज। द कैनन वाज यूज्ड एज अ टेक्सटबुक इन यूरोप एट अदर वाज नोन एज मेडिसिना जस्ट बिफोर इट दैट द साइंटिस्ट टूथ पिक वाज फाउंड बिटवीन टू पेजेस ऑफ द चैप्टर ऑन मेटाफिजिक्स। दी साइंटिस्ट जो है इंटेलेक्चुअल्स जो है उनके बारे में बात करें पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इस पीरियड में डेवलप होते हैं, जर्मनिंग कल्चर जो है पेंटिंग है और भी डिफरेंट चीज़ें जो है प्रमोट करते हैं, इसके बारे में आप उसी भी यहाँ पढ़ सकते हैं चैप्टर के अंदर। तो हैंस देखिए चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश, तो आगे आने वाले चैप्टर सॉरी आगे आने वाले जो पैराग्राफ से देर डॉन नोट सो मच ऑफ हैविंग इम्पोर्टेंस, उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ यू कुड आस्क मी, हैंस द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, टिल देन हैव अ नाइस डे।